हाय सांग मैंने केमती अच्छा मुझे आशा कर बहुत भलि था इंद्रजीत सुनीता ब्लॉग को पुणी थर आपण स्वागत आज मुझे गोटे देशी रेसीपी बनेबी चलतु आपण देखेबी केमती कौन बना हम से रेसीपीटा कदमी भंडा केमती छड़ा हम केमती बना हम आज तरकारी मुझे देखेबी ता पूर्व टे हाथ में सोरीश तेल यहाँ आम मजा बोतल सोरीश तेल अच्छे सोरीश तेल टे हाथ ने कहीं कदमी भंडा कस लगे अठा लगे जस्ट टे नहीं कि अधिक ने अधिक ने आप छड़े पारे टे हाथ में तेल को मालिस कर दे कस लगे आप हाथ में कदमी भंडा एम छड़े ता भर जो बाहर सब जिन तरकारी करवाई काड़िए का गोटा गोटा कि छड़े देखो मुझे आपको देखी ता भर गोटे फुल टाइप जिनस अच्छी नाड़ टाइप भी फुल अच्छी यहाँ आप बाहर करदे ये न बाहर कले कसा लगे तरकारी खाई हेनि ता भर ये दिनटा दीटा जिनस बाहर दीटा जिनस फुल टाइप देख दीटा जिनस बाहर करके फोपाड़ देवे एमती बनइबे कदमी भंडा आप बहुत लोग बन सीखी ना मेन कर सोनी बन सीखी ना किसी जानना कदमी भंडा तरकारी बहुत उपकार कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज एडा घुसरी आने खांदी तमे हेलो घुसरी तमे सब एतरे बहुत प्रकार रोग भले हे जीव एमे जदी भलो हे जांदा आ मेडिसिन मारंदानी आपण डॉक्टर पाकु जांदु पचारंदु तापरे कहिए मते एम बने सुनीता सिखिनांदी मु आज तरकारी केमती हम मुझे आपण मानक बन देखी आप धैर्य सहक बाछे टाइम टेकिंग कम भंडा मोर बना सर जाए गोटे जगार पा नहीं आसे से हल्दी पकईदे हल्दी पकईने जो कदमी भंडा छोट छोट कर काटे से कालिया हम पूरा छोट छोट करदे जिते आप छोट करते छोट करेंगे से तरकार टेस्टी लगे मुझे कदमी भंडा काटिक रखी छोट छोट आपने कड़ा पा देखिए सीझे देवे कहीं कसा पाटा बाहर कसा पाटा न बाहर तरकार पूरा कसा हो खाई लुण पकईदे हलदी पकईदे हल्दी पड़ा देख से कौन ढाकदे सीझी कदमी भंडा सीझे रखिले सीझे काटे तब मसला दवा कड़ा तेल पकईली रसुण जीरा अदा ग्राइंड कर रखी मसला देदेली हल्दी गुंड पकईद लंका गुंड स्वाद अनुसार लुण टमाटो जो छोट छोट कर काटिले टमाटो भी पकईद मसला लगे पा दे टमाटा जो पूरा सीझे हो आसवे छोट छोट आलु काटिक रखिदे आलुटा पकईदे मैंने आलुटा भी मसला जारी आलुटा टे मसला सहित झारे ढाकिदे पांच मिनट खंड आलुटा हो आस देखा हालुटा हो आसला गोटे पाछे
ପାଖରେ ରଖିଲେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗ ପାଣିଟା ନିଗିଡ଼ି ଯିବ ସେଇଟା ଏବେ ଟିକେ ଆଳୁ ଯେଉଁ ହେଇଯାଉଛି ମସଲା ସହିତ ସେଇଟା ଟିକେ ପକେଇଦେବ ପକେଇଦେଲା ପରେ ଟିକେ ଚଲେଇଦେବ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ପାଣି ଦେଇଦେବ ଆଳୁଟା କିନ୍ତୁ ସିଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ମୁଁ ଠାକୁର ଯଦି ଶୁଖିଲା ଆମ୍ବୁଲ ମୁଁ ତାକୁ ଭିଜେଇକି ଦୁଇଟା ରଖିଥିଲି ସେଥିରେ ପକେଇଦେଲି ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଖଟା ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଖଟା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ତାହେଲେ ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇବେନି ଖାଲି ଟମାଟୋ ଅନ୍ଲି କରିବେ ମୁଁ ପୁରା ଦେଶୀ କରୁଛି ଚୁଲିରେ ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ କମ୍ ତେଲରେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଏଥିରେ ଢକେଇବେନି ଢକେଇଲେ କ'ଣ ସିଝା ଲାଗିବ ସିଝା ତରକାରୀ ଭଳିଆ ସିଝିଲାଣି କି ନାହିଁ ଯଦି ଆଜି ଆଇଟମ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ ଟିକେ ମୋର ତରକାରୀଟା ପୁରା ହେଇଗଲା ତରକାରୀ ଏବେ ହେଇସାରିଲାଣି ହେଇସାରିଛି ପୁରା ତରକାରୀ ବାସନା ବି ଭଲ ହେଉଛି ଖାଇଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଚୁଲିରେ ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସୁନିତା ବ୍ଲକ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।